राम राम भाई। भाई मैं नवीन जैन और कल से मेरे पास बहुत पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। जो घटना हुई है कल सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति के साथ जो मारपीट हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई, मेरा उनके साथ तलाक हो चुका है, करीब 4 साल से हमारा कोई संपर्क है नहीं। दूसरी बात जो मैं बताऊं आपको, जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। जिस वह बहू का नाम आ रहा है कि उसने मारपीट की है, उसकी उस कूतरू की तो औकात ही नहीं है आपको तेज आवाज में भी बोल जाए। वो किसके सारे पर केक रहा है वो तो वही बताओगी, सारी चीज तो मैं नहीं बता सकता इब्बे जब तक वो खुद नहीं बताओगी। और जो अभी मैं संजय सिंह की वो देख रहा था कि सफाई दे रहा था, तो मिस्टर एमपी संजय सिंह तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत तार है, ये एक्टिंग तारने से थोड़ी आत्मा वात्मा होगी। मैं बोलूंगा जब तो समझ में आ जाएगा अच्छी लड़ा, बाकी तुमने सारी बाता का बेरा है जो जो साजिश है जो जो षड्यंत्र हुए हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, स्वाति को खुद बोलना चाहिए, लाखों महिलाओं की आवाज उठाई, इतनी लड़ी, इतनी मर्दानी, इवन की दरा देखा डर की के बात की, राज्यसभा की है, कितनी बड्डी हो राज्यसभा की सौदा हो है, सब अभिमान तो बड्डा हो गया, कुछ कुछ ना होता, रोज मरेगी ना बोली थे, बोले हम नहीं सब साथ खड़े हैं सबके सब, लेकिन पहले खुद बोल रहा जब ना। अरे भाई मेरे पर लोग कहे भाई तू नहीं बोल, ये बोल, तू ये ना करता हो ना, भाई मेरा देखो एज ए वो एक इस देश की महिला है उसके नाते की बात कर रहा हूं मैं, और आज गलना के मैं हुआ था हम तो उड़े भी जाकर खड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों को भी बताना चाहता हूं, स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए ये कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जान को भी खतरा है। मैं बता रहा हूं कि उसको बोलना पड़ेगा और जो भी बोलेगा उसका जवाब मैं दूंगा। अरे मिस्टर संजय सिंह ये एक्टिंग मत तार है, तने सारी बातें बेरा है और मैंने भी सारी बातें बेरा है, फालतू बात का मैं कुछ ना। जय भोलेनाथ, जय हिंद।